तो हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका सिंह टॉक्स में। बात करेंगे हैशटैग सिन्हा सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल की जो जोड़ी है हमने देखा आज के शो में, बहुत मजा आया। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी उनके अंदर एंड काफी मजा आया, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। एक दूसरे के जवाब दे रहे थे और एकदम सही जवाब दे रहे थे दोनों एक दूसरे को। अगर कोई भी सवाल, क्योंकि काजोल और अजय देवगन भी आए हुए थे बिग बॉस के शो में, और वो जब अंदर गए, जब चार जोड़ियां निकाली शहनाज एंड सिद्धार्थ को, पारस माहिरा मधुरिमा विशाल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आसिम और रश्मि, आसिम और रश्मि की जोड़ी बन गई क्योंकि उनको चार जोड़ियों की जरूरत थी। तो आसिम और जो रश्मि है उसमें, वो तो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, सेकेंड राउंड में विशाल और वो बाहर हो गए, एंड थर्ड राउंड में भी जो है पर सिद्धार्थ और शहनाज बाहर हुए, बट मेरे हिसाब से वही विनर से। तो कंपैटिबिलिटी में जब उनसे पूछा गया कि कौन आपकी जोड़ी से ज्यादा जेलस होता है, चिढ़ता है, तो उन दोनों ने रश्मि का नाम लिया। खैर, रश्मि तो उन्होंने चीटिंग करके बोला था क्योंकि सिद्धार्थ ने बता दिया था रश्मि वो लिख रहे हैं एंड तो बट कोई बात नहीं। एक उसमें था कि सना को कौन सी चीज बेकार लगती है, सबसे हेट करती है सना, तो दोनों ने यही लिखा कि जब सिद्धार्थ तो रूठ जाते हैं तो सना को बहुत बुरा लगता है। उससे याद आया कि इस जोड़ी के नाम से मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो याद आई है। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है, इससे पहले ही शायद अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, अपलोड्स पर जाएंगे, तो मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो सिन्हास के अंदर बहुत ही रोमांटिक क्लिपिंग्स मैंने मर्ज करके उसका कोलाज बना के डाली है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में एंड काफी ही अच्छी वो वीडियो है। तो जाइए उसको प्यार कीजिए एंड वीडियो को मतलब प्यार दीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने देखा कि शहनाज और सिद्धार्थ में काफी कंपैटिबिलिटी थी, वही डिजर्व करते थे ये शो, बट इसमें कोई प्राइस वगैरह तो था नहीं तो इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत ही अच्छा लगा मैं देखे कि ये जोड़ी सिर्फ टीवी पे नहीं बल्कि वैसे भी उनकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है एंड उनको एक दूसरे के बारे में काफी चीजें पता है जो एक रिलेशनशिप में दो बंदों को आपस में पता होती हैं। तो 3 महीने में इन दोनों ने काफी एक दूसरे को जान लिया है, परख लिया है एंड हम प्रे करेंगे ये जोड़ी आगे तक चलती रहे, फाइनल्स तक पहुंचे और हमको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे, क्योंकि अगर सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर से चले जाएंगे तो शायद हम लोग ये शो नहीं देख पाएंगे उतनी दिलचस्पी से जितना आज देखते हैं। एंड सेम गोस फॉर शहनाज और गिल ऑल्सो, एंड सना तो हम सबकी फेवरेट है ही है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत ही अच्छी अच्छी और वीडियोस हम डालते रहेंगे, मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले रिव्यू अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।